भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित चार बंगला के माड़ा कॉलोनी में स्थानीय कामगारों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप और आई चेकअप का शिविर रखा गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कामगार चेकअप के लिए सुबह 8 बजे पहुंचे। वही ये कार्यक्रम बीजेपी के कामगार मोर्चा अध्यक्ष विजय हरगुड़े और भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय केनेकर के नेतृत्व में रखा गया। वही भाजपा कामगार मोर्चा के उपाध्यक्ष नितिन गुप्ता इसका दायित्व अपने कंधों पर लिए है। कामगारों ने इस मेडिकल कैंप चेकअप का लाभ उठाया। इतना ही, इस मेडिकल कैंप में 90s के सबसे चहेते अभिनेता जिन्होंने कादर खान, गोविंदा और भी कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया है, जी हम बात कर रहे हैं के गोस्वामी की, जो इस मेडिकल कैंप में उपस्थित रहे। कलाएं जो दिखाते हो वाकई में कहीं कहीं आम जनता को दर्शा देते हो और अपनी जो दिल की जो बात है वो भी दिखा, लेकिन आज अब दिल की बात तो वाकई में देखने वाले होंगे, सुनने वाले होंगे। आज नितिन गुप्ता जो कामगार मोर्चा के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष हैं, ये हैं, आप आए हो और आपने भी चेकअप कराया है, किस तरह से महसूस हुआ और क्या आपको लग रहा है जिस तरह से चल रहा है, क्या वाकई में नितिन गुप्ता ने कुछ ना कुछ एक अजीब सा काम कर रहे हैं? नितिन जी हमेशा ही अच्छा काम करते रहते हैं और बीजेपी की तरफ से ये पहले भी इन्होंने कई बार कैंप लगाया है, ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लड टेस्ट कैंप, और आज ये कैंप लगा रहे हैं। एक आध बार मैं नहीं आ पाता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इनके कोई भी प्रोग्राम में मैं शरीक हूँ। और ये नितिन गुप्ता जी के पहले बीजेपी की तरफ से ऐसा कुछ होता नहीं था, जब से ये बने हैं मैं 4-5 साल से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, इन्हें देख रहा हूँ ये कंटिन्यू इसमें और पब्लिक की सेवा में लगे रहते हैं, पब्लिक की सेवा। और आज की इतनी महंगाई के दौर में इतना किसी के पास समय नहीं है, पता बताने का लोगों के पास समय नहीं है, उसमें भी समय निकाल कर नितिन जी इतना अच्छा काम करते हैं और ये लोग भाई लोग डॉक्टर की टीम आकर लोगों की मदद करती है। और मैं तो बोलूं पूरे माड़ा क्या जहाँ भी कोई भी शिविर लगे तो हर किसी को इसमें पूरी तरह भागीदारी करनी चाहिए, घरों से बाहर निकलिए, टेस्ट कराइए, मुफ्त में टेस्ट है, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे डॉक्टर कमज़ोर हैं, मुफ्त में ये सेवा देने के लिए आए हैं और आप लोग सेवा ज़रूर लीजिए। सवाल है, काफ़ी बिजी शेड्यूल आपका होता होगा, लेकिन नितिन गुप्ता के यहाँ आते ही आपका पूरा शेड्यूल जो है कहीं कहीं एकदम बराबरी देखने को मिल गई है, और आपने भी जो जांच कराया है तो आपको कैसा लग रहा है? जांच कराना तो सबको चाहिए, हमेशा जांच कराना चाहिए, उससे पता चलता रहता है कि उम्र के साथ या हमारे जो रहन सहन है, खान पान में बहुत सारे ऊपर नीचे होता है, उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई, इसलिए जांच कोई भी टेस्ट हो सब टेस्ट हमेशा कराते रहना चाहिए, तो मुझे टेस्ट कराकर तो अच्छा ही लग रहा है। जिस तरह से आज भारत देश में देखा गया कि कई कैंसर जो है कई युवा पीढ़ियों को बहुत तेजी से पकड़ रहा है, तो ये जिस तरह से नितिन गुप्ता ने ये कैंप रखा, क्या वाकई में एक सराहनीय वाली बात है? सराहनीय काम है, और कैंसर जो बढ़ रहा है उसके कारण को ढूंढ लिया गया है, लोग बीड़ी सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना और भी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देते नहीं लोग, खाने पीने का जो रहन सहन है, कई बार लोग पेट साफ करने के चक्कर में जो दवाइयां खा लेते हैं उससे पेट साफ तो होता है लेकिन अंदर इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं, और नितिन जी हमेशा ही पब्लिक के लिए आगे आते रहते हैं, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ इनका कि ये पब्लिक की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन पब्लिक भी सेवा लेनी चाहिए। मैं कई बार कई जगह जाता हूँ जहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं और सेवा लेते हैं, इसका भरपूर लाभ उठाते हैं, लेकिन कुछ जगह ये उदासी अच्छा नहीं लगता, प्रॉब्लम में तो सब कोई है, हर गली मोहल्ला में, पूरे बिल्डिंग में और कोई भी सोसाइटी में जाएंगे सभी हर घर में लोग दवाइयां खा रहे हैं, बीमार लोग हैं, तो आप लोग आइए, निकलिए घर से और ये जो मुफ्त सेवा है इसका भरपूर लाभ। गुप्ता जी आज सुबह से यहाँ पे लाइन लगी हुई कतारों की जो मेडिकल कैंप देखने को मिला, लेकिन जो आपके ही नेतृत्व में है, इसको क्या करना चाहेंगे? देखिए पहले तो हम लोग धन्यवाद मोदी जी करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में, मैं भारतीय जनता पार्टी कामगार मोर्चे का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ, उसके नाते ये जो SVP नगर माड़ा चार बंगला अंधेरी वेस्ट मुंबई 53 में यहाँ कामगारों का एक नाका है, यहाँ रोज सुबह 150-200 मजदूर सुबह इकट्ठे होते हैं, सुबह 8 बजे आ जाते हैं,
और अपना पेट पालने के लिए यहाँ से काम के लिए निकलते हैं, बट वो मजदूरों को टाइम नहीं रहता हॉस्पिटल जाने के लिए। उनके लिए माननीय मेरे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विजय हरगुड़े जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री माननीय संजय केनेकर जी के नेतृत्व में आज हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अंदर 150-200 कम से कम अभी तक हमारे मजदूर चेकअप कराने आ चुके हैं, जो फ्री बॉडी चेकअप है, आई चेकअप है, उनको चश्मे फ्री हम दे रहे हैं और शाम तक दोपहर तक जो कैंप रहेगा उसमें और भी काफ़ी लोग आएंगे। तो ये कैंप लगाने का मतलब है एक मजदूरों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मजदूरों को सहयोग देना, क्योंकि मजदूर है तो पार्टी है, पार्टी है तो मजदूर है। और ये जो मजदूर लोग हैं ये सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को अपने वापस आते हैं, इनकी बॉडी में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं। तो इनकी बातों को ध्यान के रखते हुए पार्टी के निर्देशों को मानते हुए भारतीय जनता पार्टी कामगार मोर्चे महाराष्ट्र प्रदेश की तरफ से ये आयोजन किया गया है। आयोजन में कितने लोग अभी तक सुबह से अभी तक आ चुके हैं? देखो 100-150 लोग हो चुके हैं और भी काफी लोग आ रहे हैं, क्योंकि मजदूर लोग हैं, उनके पेट भरने की भी वो लोग अपने मजदूरी करके भी आते हैं। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी कामगार मोर्चे की तरफ से जो मजदूरों के लिए मुहिम चलाई गई है ये काफी अच्छी मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि मजदूर बेचारा सुबह उठता है अपने काम के लिए निकलता है, शाम को वापस आता है, उसको डॉक्टर मेडिकल या किसी चीजों में उसको टाइम भी नहीं मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जगह जगह जाकर कामगार मोर्चा जो हमारा है कामगारों के इसके लिए जो हम लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं उनके लिए जहाँ जहाँ उनके नाके हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग जाके मेडिकल कैंप लगाएंगे, उनकी पूरी बॉडी का चेकअप कराएंगे, जो चीज की कमी है उनको हम इलाज करवाएंगे। जैसे कहीं कहीं बात आती है अगर कोई चीज जैसे आपके पास 100-150 आ चुके हैं, अगर इस 100-150 कोई बड़ी बीमारी अगर देखने को मिल गई तो इसकी इलाज किस तरह से? देखिए आपको मालूम है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड रखा है, काफी सारे ऐसे गवर्नमेंट के रखे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी सारी ऐसी सुविधा रखी है जिनको मंत्रालय से लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक जो भी सेवाएं हैं हम उनको देके जो भी इलाज है मुफ्त में कराने की पूरी प्रयास करेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि नितिन गुप्ता जी ने इतना किया हुआ है गरीबों के लिए और सबके लिए, यहाँ पे फुल बॉडी चेकअप उन्होंने फ्री करवाया हुआ है और इनके नेतृत्व में जो हमारे भारतीय कामगार सेना मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, मैं बहुत शुभकामनाएं दूंगा और मुबारकबाद दूंगा कि आगे कितने करते रहे हैं पहले भी और आज भी कर रहे हैं और कृपा करें कि आगे भी करते रहें गरीबों के लिए। मैं इसी बात से बोलता हूं कि ये मसीहा हैं गरीबों के और आगे बढ़ते रहें। हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ कर रही है हमारे देश के लिए और हम उनके लिए बहुत आभारी हैं। क्या महाराष्ट्र उपाध्यक्ष कामगार सेना मिश्र जी को पद मिली है भारतीय जनता पार्टी, क्या वाकई में उन्होंने वो पद की गरिमा रख दी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, और ये निस्वार्थ होकर अपनी जो सेवा कर रहे हैं देश के लिए बहुत काबिले तारीफ है, इस चीज में कोई शक नहीं है। और ये हमेशा हमारी दुआएं इनके साथ हैं, पूरे कामगार की दुआएं इनके साथ हैं जो गरीब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और पूरे अच्छे अच्छे डॉक्टर आके यहाँ पे चेकअप कर रहे हैं, बहुत कमेंडेबल है ये। कनुजिया है, मैं ब्लू व्हेल आई हॉस्पिटल से था। बेसिकली हमारा हॉस्पिटल एलपीडी अंधेरी के पास है। नितिन सर ने यहाँ पे एक कैंप रखा है और बेसिकली चेकअप वगैरह फ्री है, जैसे इसकी का बॉडी मास इंडेक्स है एंड आई चेकअप है, ये टोटल चेकअप फ्री भी हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे बहुत कामगार लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि इनकी आंखों में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे मोती बिंदु हो गया, किसी को चश्मे का नंबर है और किसी के बॉडी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये पूरा डिटेल्स यहाँ पे फ्री हो रहा है। तो मैं नितिन सर का भारी आभार करता हूँ यहाँ पे एंड बीजेपी मोदी सर यहाँ पे कामगार लोग 150-200 लोग करीब अभी तक विजिट कर चेकअप कर चुके हैं। मैं नितिन सर का बहुत आभार करता हूँ यहाँ पे कि उन्होंने लोगों को पता नहीं है कि क्या आपकी आज के जनरेशन में क्या प्रॉब्लम हो रहा है बॉडी के अंदर, तो ये सब नितिन सर का आभार है।